Good morning, my dear students. Welcome back to the channel of Science Aker. I am Akash Kumar, your educator and motivator. Today I am going to start the lecture 4 of chapter Motion of class 9. So the topic that we are going to discuss today is the velocity, acceleration, uniform velocity and uniform acceleration. तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम डेफिनेशन से. What is the definition of velocity? तो velocity is the displacement produced in per unit time. प्रति इकाई समय में प्रोड्यूस कर किया गया डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा वेलोसिटी कहलाता है. जैसे स्पीड हमारा था डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल, तो उसी तरह से सिमिलरली यहाँ पे वेलोसिटी है. और वेलोसिटी की जब बात करेंगे तो दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन. तो यहाँ पे इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी होता है. और मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट भी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज इट फॉलोज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. एक पर्टिकुलर दिशा में होता है जो तय की गई दूरी, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन पर यूनिट टाइम. तो v इक्वल टू s बाई t. यहाँ पे s हमारा डिस्प्लेसमेंट है, t इज द टाइम टेकन फॉर द डिस्प्लेसमेंट एंड v इज द वेलोसिटी. अगर इसके SI यूनिट की बात की जाए तो वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट का SI मीटर, टाइम का सेकंड, तो इसका SI यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड. तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर कुछ और बातें करते हैं इसके बारे में. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. जैसे मैंने बताया था कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, उसी तरह से हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी की चर्चा करेंगे. बच्चों एक बात अच्छे से समझ लेना है कि वेलोसिटी और स्पीड में बेसिक डिफरेंस है, दैट इज द डायरेक्शन. जब हम पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करेंगे तो वहां हम वेलोसिटी की चर्चा करेंगे, और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की चर्चा करेंगे तो इसका मतलब समझना है कि हम सिर्फ स्पीड की बात कर रहे हैं. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डेफिनेशन है, अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, दैट इज. और स्पेसिफाइड डायरेक्शन कहने का मतलब होगा कि यहाँ पे एक particular direction and that will be a straight line, that is in a straight line and moves over equal distance in equal interval of time, no matter how small time intervals may be. तो जैसे हम लोगों ने uniform speed की चर्चा की थी, वही same to same हमारा ditto uniform velocity भी है यहाँ पे. और velocity और speed का magnitude तभी equal होगा जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है. मैं इसकी चर्चा भी आगे करूंगा. तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन नोट डाउन कीजिए, व्हाट इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. फिर हम देखेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच द वेलोसिटी डिपेंड्स एंड कब वेलोसिटी और स्पीड का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और कब इक्वल नहीं होता है. तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए. सो अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द चांसेस व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस. कब कब किसी भी ऑब्जेक्ट की बॉडी की वेलोसिटी बदलेगी, किन कंडीशंस में बदलेगी. तो सबसे पहला होगा कि जब इसके स्पीड में चेंज हो जाए, व्हेन इट्स स्पीड चेंजेस, या तो इसके स्पीड बदल दिया जाए तभी वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, बिकॉज ये स्पीड और डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करता है. या सेकेंड कंडीशन है कि अगर स्पीड को कॉन्स्टेंट रख दिया जाए, स्पीड को चेंज नहीं करते हैं, लेकिन अगर उसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए तब भी वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा. तो या तो स्पीड में चेंज आ जाए या डायरेक्शन में चेंज आ जाए, दोनों कंडीशंस में हमारा वेलोसिटी में चेंज होगा. नोट देके एक पॉइंट लिखना आप लोगों को. यहाँ पे जो पॉइंट है कि स्पीड जो होता है ये सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है. लेकिन जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट की चर्चा होता है कि रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड, जो डिस्प्लेसमेंट तय किया गया है प्रति इकाई समय में पर यूनिट टाइम. तो आप देख रहे हैं कि इसके पास स्पीड भी है और साथ ही साथ क्या है, डायरेक्शन भी है. तो इसके पास कहने का मतलब कि स्पीड कहने का मतलब कि इसके पास एक मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन तो है ही. तो वेलोसिटी और स्पीड में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि एक में स्पीड में डायरेक्शन इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंस रखता है. तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी. फिर हम लोग आगे देखते हैं. तो अगला पॉइंट जो मुझे डिस्कस करना है, दैट इज कि स्पीड और वेलोसिटी हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं होगा. अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसको बताता है, तो आपको बोलना है कि वो स्पीड को बताता है, क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है.
जैसे कहने का मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ सिंपली कि किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है टुवर्ड्स नॉर्थ, तो यहाँ पे जो 5 मीटर पर सेकंड बता रहा है ये किसको बता रहा है, ये स्पीड को बता रहा है, ये मैग्नीट्यूड को बता रहा है, और वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड स्पीड को ही बताती है। तो 5 मीटर पर सेकंड ये हमारा स्पीड हो गया, और टुवर्ड्स नॉर्थ जो बता रहा है ये डायरेक्शन को बता रहा है। तो इसको जानना है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है। लेकिन अगला पॉइंट जो है ये है कि स्पीड और वेलोसिटी अगर अलग अलग कंसीडर किया जाए, दोनों को अलग अलग केस कंसीडर किया जाए, तो जरूरी नहीं है कि दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल ही आएगा। अब ये देखना है कि किस केस में इक्वल आएगा और किस केस में इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके लिए एक एग्जांपल मैंने लिया है, इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है पॉइंट ए पे, ये मूव करता है ए से बी तक 20 सेकंड्स में, और इसका जो दिया हुआ है 100 मीटर, ठीक है, डिस्टेंस दिया हुआ है हमारा 100 मीटर है। तो केस वन और केस टू लेके इसको अच्छे से हम लोग समझेंगे, डिस्कस करना है। तो यहां समझिए, पहले केस वन में फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी के लिए अगर इसका स्पीड और वेलोसिटी निकालना है तो सिंपल है कि अगर जब हम स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस हमारा ए से बी के लिए 100 मीटर और टाइम लग रहा है इसको 20 सेकंड, तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये हमारा स्पीड हो गया। अब अगर केस वन में अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो तो ए से बी के लिए वेलोसिटी में क्या चाहिए आपको, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो स्ट्रेट लाइन में मैंने बताया है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट अगर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मूव करे तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी, तो ये भी 100 ही मीटर है। तो अगर वेलोसिटी भी निकालना है हमको यहाँ पे, तो जब आप वेलोसिटी भी कैलकुलेट कीजिए तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा 100 मीटर ही होगा, और टाइम क्या होगा फिर 20 सेकंड ही होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि केस वन में स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम आ गया, ये भी 5 मीटर पर सेकंड और ये भी 5 मीटर पर सेकंड। तो ये तो केस वन की बात होगी। अब केस टू लेते हैं, जब आदमी ए से बी जाता है और फिर बी से ए तक आ जाता है, वापस आ जाता है उसी पॉइंट पे, और इसको आने में भी टाइम कंसीडर कर लेना है, आने में भी उतना ही समय लग रहा है, 20 सेकंड ही लग रहे हैं इसको आने में भी, ठीक है। ये हमारा टी वन हो गया, ये टी टू हो गया सेकंड केस के लिए, ठीक है। तो यहां देखिए, जब आप स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो स्पीड जब कैलकुलेट कीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस लेंगे यहाँ पे, क्योंकि गया और फिर वापस आया, तो यहाँ पे एक तरह से एवरेज स्पीड की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो यहां से जब ये गया और वापस आया तो टोटल डिस्टेंस हमारा हो गया 200 मीटर, और टाइम इसको कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 20 + 20 दैट इज 40 सेकंड लग रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए किसका आ रहा 5 मीटर पर सेकंड ही आएगा, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज स्पीड की चर्चा हो रही, जिससे गया उसी से वापस आया, सेम टाइम लग रहा है, डिस्टेंस भी सेम है, तो स्पीड भी हमारा क्या आएगा, उतना ही आएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि अब इसका जब हम वेलोसिटी कंसीडर करेंगे, कि वेलोसिटी मान लीजिए हमको निकालना है, फाइंड आउट करना है केस टू के लिए, तो वेलोसिटी जब देखिएगा तो वेलोसिटी के लिए हमको चाहिए डिस्प्लेसमेंट। तो आदमी शुरू करता है इनिशियल पॉइंट ए, ए से बी गए और फिर वापस बी से ए आ गए, मतलब हमारा इनिशियल पॉइंट भी ए और फाइनल पॉइंट भी ए, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, हाँ बिल्कुल सही, जीरो हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया जीरो, और टाइम तो मान लीजिए कुछ भी 40 सेकंड ही लग रहा है, तो यहाँ पे हमारा वेलोसिटी क्या आ रहा है, 0 मीटर पर सेकंड। तो आप देख रहे हैं कि केस वन में तो स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, बट व्हेन वी कम टॉक अबाउट द केस टू, तो यहाँ स्पीड तो 5 मीटर पर सेकंड ही है, बट द वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकंड। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एक ही कंडीशन में सेम होता है, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो, सेम होना चाहिए, तभी हमारा स्पीड और ऐसा केस कब होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम का, कि जब कोई आदमी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे और वो अपना डायरेक्शन चेंज ना करे, ए से बी तक गया है तो बस यही लग रहा है, अब यहां से अगर ये वापस आ जाएगा तो केस सेकंड हमारा हो जाएगा, वेलोसिटी स्पीड सेम हो जाएगा। तो सिंपल याद रखना है कि व्हेनेवर अ पार्टिकल ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, देन ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी विल रिमेन सेम। तो इस कंडीशन में ही सिर्फ वेलोसिटी और स्पीड सेम होगा, हमेशा सेम होगा ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों नहीं होगा, आप समझ चुके हो। सबसे पहले इस एग्जांपल को नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज करके आराम से धीरे धीरे समझिए चीजों को, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। So, next point जो आपको नोट डाउन करना है, that is about the average velocity. जैसे हम लोगों ने पढ़ा था average speed, total distance by total time, तो उसी तरह से similarly हमारा average speed हो, average velocity हो जाएगा। यहाँ पे velocity है तो displacement लेंगे ना कि distance, तो total displacement and by total time. तो इसका जो ratio होता है ये हमारा average velocity को बताता है, simple से चीज है।
अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, और अगर इसकी यूनिट की चर्चा करें तो सेम होगा, यूनिट डिस्प्लेसमेंट का मीटर टाइम का सेकंड, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अब एक दो न्यूमेरिकल्स करवा देता हूं मैं एक्सेलरेशन बताने से पहले, कि एक्सेलरेशन क्या होता है। जैसे क्वेश्चन देखिए, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर इन 5 सेकंड एंड देन रिटर्न टू द सेम पोजीशन इन सेम टाइम। कोई ऑब्जेक्ट है, ए से बी गया मान लीजिए, 250 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 5 सेकंड में, और फिर वापस आ जाता है उसी पोजीशन पे और सेम टाइम में, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे फाइंड करना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की चर्चा करनी है। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग एवरेज स्पीड की बात करते हैं। एवरेज स्पीड यहाँ पे क्या होगा हमारा, तो जब एवरेज स्पीड कंसिडर करेंगे तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम हो गया हमारा यहाँ पे, इसकी बात करनी है। तो देखिए, जा रहा है फिर वापस आ रहा है, मतलब 250 मीटर गया फिर 250 मीटर वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा 500 मीटर। और सेम टाइम कह रहा, मतलब जाने में भी 5 सेकंड लग रहा और आने में भी क्या लग रहा है, 5 सेकंड। तो टोटल टाइम T1 प्लस T2 5 10 हो गया। तो यहाँ पे हमारा देखिए निकल गया 50 मीटर पर सेकंड। ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम 50 मीटर पर सेकंड। अब जब हमको चर्चा करनी है एवरेज वेलोसिटी के बारे में, तो देखिए यहाँ पे क्या चेंज आता है या फिर कुछ सिमिलर रहेगा, हम लोग चेक करेंगे पहले इसको सॉल्व करके। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट बताया, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो गया ए से बी 250 मीटर, फिर वापस आ गया बी टू ए 250 मीटर, दैट मीन्स इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन क्या हो गया, सेम हो गया। दैट मीन्स इस कंडीशन में मैंने बता रखा है और सब लोग अब समझ पा रहे होंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा अगर सिर्फ जाता तो डिस्प्लेसमेंट तो डिस्टेंस के इक्वल ही होता है 250 मीटर, लेकिन वो वापस आ गया, दैट मींस उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो 0/10। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो हमेशा एवरेज स्पीड के इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो बस एक ही केस में इक्वल होगा जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, इस कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कीजिए, समझिए, फिर एक्सेलरेशन स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये है एक्सेलरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, और इजी भी है। तो देखिए कि एक्सेलरेशन क्या होता है, पहले डेफिनेशन से शुरू बात करते हैं। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को बोलते हैं एक्सेलरेशन, वेलोसिटी में परिवर्तन के दर को, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इसको बोला जाता है एक्सेलरेशन। कहने का मतलब किसी भी बॉडी के वेलोसिटी में पर यूनिट टाइम में जो परिवर्तन आता है, जो चेंज आता है, वो उसका एक्सेलरेशन कहलाता है, ठीक है। तो ए रेट ऑफ एक्सेलरेशन को हम लोग डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। तो ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी को बताता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कहने का मतलब क्या हो गया, वी माइनस यू बाई टी। तो इसको समझना है कि वी माइनस यू बाई टी है क्या, वी क्या है, यू क्या है, पहली बार देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो इसको समझ लीजिए, U यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, जब ऑब्जेक्ट मोशन में आया तो उसका शुरुआत में वेलोसिटी क्या था उसको बताता है U, ठीक है। V बताएगी फाइनल वेलोसिटी, दैट मींस उसका अंतिम वेलोसिटी, स्टार्टिंग और उसके बाद फाइनल, इनिशियल और फाइनल। और T हो गया हमारा टाइम टेकन फॉर द चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी बदलने में जितना समय लगा इनिशियल से फाइनल पहुंचने में, तो वो हमारा T टाइम हो गया। तो इसका फॉर्मूला होता है a इक्वल टू v माइनस u बाई टी। अगर इसको एक लाइन में अगर आपको दर्शाना हो तो आप यहाँ बोल सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल्टा v बाई टी। तो डेल्टा v बाई टी कहने का मतलब, डेल्टा बताता है साइंस में चेंज को, ये जो डेल्टा है ये चेंज को बताता है, तो डेल्टा v बाई टी मतलब चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम। तो इसका यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। जब इसकी यूनिट की चर्चा करेंगे तो यूनिट क्या देखें, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी में वेलोसिटी घटाएंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी ही मिलेगा। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड, पहले बता चुका हूँ। टाइम का यूनिट होता है सेकंड, सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का यूनिट आप लोग देख रहे हैं कि क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की चर्चा होगी, कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे। सो बिफोर वी मूव टू द न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस, हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट और डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैं बता चुका हूँ, यूनिफॉर्म स्पीड बता चुका हूँ, उसी तरह से अब समझना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को।
तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहने का मतलब, देखिए एक्सीलरेशन के लिए चाहिए वेलोसिटी में चेंज, कहने का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होगा। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन का डेफिनेशन ही है चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम। तो याद रखना है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सीलरेशन क्या होगा हमारा, जीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज हो ही नहीं रहा है। तो अगर फाइनल माइनस इनिशियल कीजिएगा तो क्या दोनों सेम हो जाएगा, कट के जीरो आ जाएगा। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सीलरेशन जीरो। इसलिए याद रखना कि एक्सीलरेशन के लिए हमको वेलोसिटी में क्या चाहिए, चेंज होना चाहिए। और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहने का मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी में चेंज तो होगा ही, बिल्कुल होगा एक्सीलरेशन के लिए, लेकिन वो जो परिवर्तन होगा, वो जो चेंज होगा, वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली होगा। दैट मींस अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। और जब भी एक्सीलरेटेड मोशन की बात होगी तो यहां पे स्ट्रेट लाइन की चर्चा करेंगे मोशन चैप्टर में हम लोग। And its velocity increases by equal amount, एक जैसा increase करे, कहने का मतलब दो से चार, चार से छः, छः से आठ, तो एक तरह का उसमें क्या होना चाहिए, increment होना चाहिए in equal interval of time, और time interval भी क्या होना चाहिए। कहने का मतलब अगर हर तीन सेकंड में वो दो मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ रहा है तो वही कंटिन्यू होना चाहिए, फिर अगले तीन सेकंड में फिर वो दो मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही चेंज, या दो मीटर पर सेकंड से ही चेंज करेगा, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका बहुत ज्यादा एग्जांपल हम लोग को डेली लाइफ में नहीं मिलता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन गेन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल और रेयर चांसेस होते हैं इसके, ठीक है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी, कहने का मतलब जो भी मोशन गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध होते हैं, ग्रेविटी के अंडर होते हैं, उसी में हम लोग यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इसका एक दो एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मैं यहाँ से छोड़ देता हूँ, फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो अपने आप गिर रहा है ग्रेविटी के इफेक्ट में से, तो वो हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को बताए। वहाँ वेलोसिटी जो चेंज होगा वो इक्वली चेंज होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। फिर जैसे मान लीजिए कोई इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन कहने का मतलब होता है इस तरह का कोई इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ से अगर कोई एक बॉल आप लुढ़का दीजिए तो इसका जो मोशन होगा, या कोई पत्थर लुढ़का दीजिए, पहाड़ में से पत्थर जो लुढ़कता है अपने आप अपने इफेक्ट से, तो उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए, वो अपने मोशन के कारण आगे बढ़ना चाहिए। तो ये सारा जो चांसेस होता है ये होता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। फिर मान लीजिए कि आप साइकिल को बहुत लोग चलाते हैं, तो आप किसी साइकिल को आप एक पहाड़ पे या ऊंचे जगह पे से आप वहां से मान लीजिए कहीं से भी वहां से स्लाइड कीजिए, पैडल नहीं चलाना, पैडलिंग नहीं करनी है, बस वहां पे इंक्लाइन है क्योंकि झुकाव है, तो साइकिल तो खुद ब खुद मूव करेगा, तो वो भी जो केस है दैट इज ऑफ द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। वहां पे कंसीडर क्या करना है, एयर रेसिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान लेना है और पैडलिंग नहीं होनी चाहिए, बस साइकिल आप ऐसे पकड़ के बैठे नहीं। इसका तो एग्जांपल सब लोगों ने देखा ही होगा कि जब भी हम इंक्लाइंड प्लेन पे आते हैं झुका हुआ जगह पे, तो साइकिल अपने आप क्या होता है नीचे की तरफ मूव करता है। तो ये सारा जो केसेस है दैट इज ऑफ द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, वेलोसिटी चेंज करेगा लेकिन एक जैसा करेगा, तो इसको नोट डाउन कीजिए। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट रिटार्डेशन। रिटार्डेशन भी एक्सीलरेशन ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो डिक्रीज करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज करेगा। अ बॉडी इज सेड टू बी रिटार्डेड इफ इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस, ठीक है। तो रिटार्डेशन का सिंपल मीनिंग जो होता है बुक में भी होगा, निगेटिव एक्सीलरेशन। तो यहाँ निगेटिव एक्सीलरेशन बस ये बता रहा है, निगेटिव साइन माइनस साइन ये बताता है कि वेलोसिटी इंक्रीज नहीं डिक्रीज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल से समझिए कि मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, आपका इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड था, 10 मीटर पर सेकंड से आप चला रहे हैं, मान लीजिए कोई बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, कोई बाधा आ गया, आपका स्पीड घट के हो गया 5 मीटर पर सेकंड, और टाइम जो लगा इस चेंज में आपको लग रहा है 2 सेकंड, तो हमको फाइंड आउट करना है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला मैंने जस्ट बताया, वी माइनस यू बाय टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी 5, इनिशियल 10 बाय 2, तो यहाँ गया माइनस 5/2, दैट इज माइनस 2.5, और यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या आ गया हमारा एक्सीलरेशन, किसमें आ गया, नेगेटिव आ गया, माइनस में आ गया। तो ये जो माइनस साइन है यही बता रहा है हमारा रिटार्डेशन, ये रिटार्डेशन को बता रहा है, ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव एक्सीलरेशन को बता रहा है। तो रिटार्डेशन का मतलब वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करेगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं बताऊंगा आज का लास्ट टॉपिक दैट इज एवरेज वेलोसिटी, एक क्वेश्चन करवाऊंगा, दैट विल बी कंप्लीट। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी मैंने अभी पहले भी बताया था, वहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ये जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है इसको लगाने का एक कंडीशन है, तो उसको क्या कंडीशन है उसको आपको समझिएगा, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का जो कंडीशन है ये जो फॉर्मूला दैट इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, ऐसा कब करते हैं, कब हम एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए
इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। ये मैथ्स का टर्म है, सब लोग समझ रहे होंगे। ओनली व्हेन वेलोसिटी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट, अगर वेलोसिटी में परिवर्तन एक यूनिफॉर्म रेट पे हो रहा है, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अगर है किसी भी ऑब्जेक्ट में, तब एवरेज वेलोसिटी निकालने का जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी वी बार। वी बार बताता है एवरेज वेलोसिटी को, और ये होगा इक्वल टू यू प्लस वी बाय टू। लेकिन इसका कंडीशन क्या है कि द बॉडी हैज टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ये इसका कंडीशन है एवरेज वेलोसिटी निकालने का। एक और टॉपिक मैं बता रहा हूँ, छोटा सा टर्म की क्वेश्चन जब आप बनाइएगा, आप सारे क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएंगे, वहां वेलोसिटी के जगह पे बहुत बार स्पीड लिखा हुआ आपको मिलेगा, स्पीड जो है इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड। तो मैंने अभी जस्ट क्लियर कर दिया था पहले ही कि स्पीड जो है वो कुछ और नहीं, वेलोसिटी का ही मैग्नीट्यूड होता है। तो क्वेश्चन बनाने में कंफ्यूज नहीं करना है ये एवरेज वेलोसिटी। तो दिस वाज द कंप्लीट लेक्चर बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये आज हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर जो अब आएगा दैट विल बी इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड। तो अच्छे से वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए और सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन अब आप लोग बना जाइए, किसी भी बुक से अब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।